जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे 1 सितंबर 2020 से हमारे पूरे भारत में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने वाली है। और दोस्तों इस हमारे अनलॉक 4 की गाइडलाइन में हमारे पूरे भारत में आपकी क्या क्या चीजें खुलेंगी और क्या क्या चीजें आपकी बंद रहेंगी, इसकी सारी जानकारी हमारी केंद्र सरकार ने आज 25 अगस्त 2020 को जारी कर दी है। तो अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार हमारे पूरे भारत में क्या क्या चीजें आपकी फिर से ओपन होगी, और दोस्तों इसमें आपके स्कूल कॉलेज भी शामिल है जिसको लेकर के हमारे केंद्र सरकार ने बहुत यहाँ पर बड़े ऐलान को जारी किए हैं। तो आइए आज इसकी पूरी जानकारी पर नजर डालते हैं कि आखिरकार आपकी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार हमारे भारत सरकार ने आपके 1 सितंबर 2020 से क्या क्या चीजें खोलने की अनुमति दे सकती है। अगर दोस्तों आप भी यह खबर जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपके 1 सितंबर 2020 से हमारे पूरे भारत में क्या क्या चीजें खुलेंगी, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाने चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि सितंबर में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल, पल मल्टीप्लेक्स नहीं, जानिए 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 में क्या खुलेगा और क्या नहीं। यानी दोस्तों हमारे पूरे भारत में 1 सितंबर 2020 से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो जाएगी। और दोस्तों इस हमारे अनलॉक 4 में आपके जितने भी यहाँ पर सिनेमा हॉल हो गए इन सभी को खोलने के लिए हमारी केंद्र सरकार आदेश दे सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जितने भी आपके बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है इनको खोलने की अनुमति अभी नहीं मिल सकती है। तो चलिए इसी के साथ और क्या क्या खोलने की अनुमति दे सकती है और क्या क्या खोलने की अनुमति नहीं दे सकती है इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में लॉकडाउन के सख्त नियम लागू होने के बाद इसमें ढील देने का सिलसिला जारी है। और दोस्तों अब 1 सितंबर 2020 से देश में अनलॉक प्रक्रिया का चौथा चरण यानी दोस्तों अनलॉक 4 शुरू होगा। और दोस्तों कई राज्य में आंशिक, पूर्व और साप्ताहिक लॉकडाउन का दौर जारी है। हालांकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी के बावजूद 1 सितंबर से सब कुछ खोलने की अनुमति मिल सकती है। यानी दोस्तों आने वाले 1 सितंबर 2020 से हमारे पूरे भारत में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो जाएगी। और इस हमारे अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार हमारे भारत सरकार बड़े बड़े जितने भी आपके सिनेमा हॉल हो गए इन सभी को खोलने की अनुमति हमारे भारत सरकार दे सकती है। और इसके साथ ही साथ हमारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के साथ 1 सितंबर 2020 से हमारे पूरे भारत में जो भी आपके सिनेमा हॉल खुलेंगे वो आपके सख्त नियम के हिसाब से खुलेंगे, लेकिन इस बीच आपके मॉल्स में जितने भी आपके बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है इन सभी को खोलने की अनुमति हमारी केंद्र सरकार नहीं दे सकती है। और इसके अलावा दिल्ली में 1 सितंबर से ट्रायल बेसिस पर 15 दिन तक मेट्रो रेल सेवा शुरू की जा सकती है। और दोस्तों इस दौरान हमारे एक कोच में सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। और दोस्तों इस हमारे मेट्रो रेल सेवा में सिर्फ और सिर्फ जरूरी कर्मचारियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। यानी दोस्तों आने वाली 1 सितंबर 2020 से हमारे पूरे भारत में आपकी अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो जाएगी। और दोस्तों इसमें हमारे सिनेमा हॉल के साथ साथ आपके मेट्रो रेल सेवा को भी शुरू किया जा सकता है, ऐसा कुछ हमारी केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर भी हमारी केंद्र सरकार ने कुछ यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी की है। तो चलिए उसके बारे में भी सारी जानकारी देख लेते हैं कि आखिरकार आपके स्कूल कॉलेज किस यहाँ पर बेसिस के तौर पर खुलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच खुल सकते हैं स्कूल, सरकार बना रही है योजना। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हमारे अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार आपके स्कूल कॉलेज और आपके जितने भी यहाँ पर शिक्षण संस्थान वगैरह वगैरह हो गए इन सभी को खोलने की अनुमति हमारी केंद्र सरकार बना रही है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी पर नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे भारत में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण पूरे भारत में आपके जितने भी स्कूल कॉलेज है वो फिलहाल में बंद है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार अनलॉक 4.0 में केंद्र सरकार 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच सभी आपके स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति बना रही है। तो वैसे में दोस्तों आप जान लीजिए कि हमारे भारत सरकार जो यहाँ पर 1 सितंबर 2020 से सभी स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति बना रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 10th और 12th के सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे और बाकी आपके जितने भी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के जितने भी आपके स्कूल कॉलेज हो गए इन सभी स्कूलों को हमारे केंद्र सरकार नवंबर में खोलने का फैसला ले सकती है। और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर बता दी गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अनलॉक 4.0 गाइडलाइंस यानी दोस्तों नए नियमों के अनुसार मानक 10th और 12th के छात्र पहले 15 दिन के लिए अपनी कक्षाओं में भाग लेंगे। और दोस्तों हमारे इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताया कि अगर क्लास में 10 में 4 सेक्शन है तो सेक्शन ए और सी के आधे छात्रों को विशेष दिनों में आना होगा और बाकी बचे हुए दिनों में रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल के घंटों की संख्या 5-6 घंटे तक सीमित रहेगी जिसमें से 2-3 घंटे के लिए शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होगी। यानी दोस्तों हमारे
आयुष मीडिया रिपोर्ट के खबर के मुताबिक यह साफ साफ क्लियर हो चुका है कि आने वाले हमारे 1 सितंबर 2020 से जो हमारे पूरे भारत में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने वाली है, उसमें आपके जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े सिनेमा हॉल हो गए और आपके जितने भी यहाँ पर मेट्रो रेल सेवा हो गई और इसके साथ ही आपके जितने भी यहाँ पर स्कूल कॉलेज कोचिंग शिक्षण संस्थान वगैरह वगैरह हो गए, इन सभी को खोलने की हमारी केंद्र सरकार अनुमति दे सकती है। लेकिन दोस्तों आपके स्कूल कॉलेज तो खुलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके 10th और 12th के सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे और बाकी आपके जितने भी यहाँ पर 1 से लेकर 8वीं तक क्लास है, उन सभी को खोलने की अनुमति हमारी केंद्र सरकार नवंबर में दे सकती है। तो बस आपको यही कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों से अपडेट करानी थी जो कि आज हमारी केंद्र सरकार इस बड़ी खबर को जारी कर दिया है। अगर दोस्तों आपके मन में अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।